Hey everyone, मैं हूँ ज्योति जसनदा गर्ल. थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाई. सो बहुत टाइम से मैंने आप सबके साथ कोई मंथली फेवरेट वीडियो शेयर नहीं करा था, बट क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ खास था नहीं दिखाने के लिए. बट फाइनली आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ माई मार्च 2019 फेवरेट्स, सम स्किन केयर, मेकअप, क्लोदिंग, ज्वेलरी. सो यार चलिए स्टार्ट करते हैं. और जो भी चीज़ें मैंने ऑनलाइन ली हैं उन सबका परचेज लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप चेक करना चाहें तो. और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते हैं तो मुझे वहाँ ज़रूर फॉलो करिए, क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत एक्टिव हूँ, बहुत सारी अपडेट्स करती हूँ. आप मुझे वहाँ पर DM करके अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो स्किन केयर, हेयर केयर, ब्यूटी, लाइफस्टाइल रिलेटेड. सो यार डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगा, अच्छा लगेगा, तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. तो स्टार्ट करते हैं मेकअप से. मेकअप में आई हैव 4 आइटम्स. और सबसे पहले मेरे पास ये पैक का माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर. ये मेरा फर्स्ट मेकअप फिक्सिंग स्प्रे. इसके पहले मैंने कोई भी मेकअप फिक्सिंग स्प्रे यूज़ नहीं किया था, बट इसे मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च बहुत सारे इवेंट्स अटेंड किए, शादी पार्टी, और इसको मैंने यूज़ किया. यू गाइस नो कि मेरी स्किन ऑयली है और ये लाइक बहुत ही अच्छे से मेकअप को सेट करता है, बहुत ही ब्यूटीफुली, फ्लॉलेसली. साथ ही साथ में ऑयल को काफ़ी देर तक कंट्रोल करके रखता है और फेस को मैट लुक देता है. तो अगर आपको मैट लुक पसंद है, प्लस आप गर्मियों में कोई अच्छा मेकअप फिक्सिंग स्प्रे देख रहे हैं जो मेकअप को बहुत देर तक अच्छे से होल्ड करके रखे, फेस को ऑयली ना करे और मेकअप को फ्रेश रखे, तो डेफिनेटली आप ये वाला मेकअप फिक्सिंग स्प्रे ट्राई कर सकते हो. इसकी जो प्राइस थी वो अराउंड 900 थी. मैं एग्जैक्ट प्राइसेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी. नेक्स्ट मेकअप आइटम है ये लॉरियल का इन्फेलिबल प्रो मैट फाउंडेशन. ये अभी मैंने नहीं लिया, ये मैंने ठंड में लिया था. कुछ यूट्यूबर्स का रिव्यू देख के उन्हें ये बहुत पसंद आया था और ये स्पेशली लाइक ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए. और मेरी भी स्किन ऑयली है. मैं बहुत टाइम से मेबलिन का फिटमी फाउंडेशन यूज़ कर रही थी एंड आई वॉज लुकिंग फॉर सम चेंज, तो मैंने इसको लिया था. बट ठंड में ये मेरी स्किन के लिए बिल्कुल भी काम नहीं किया. मेरी स्किन पे लाइक ये मेरे ड्राई पैचेस को पकड़ लेता था और स्किन बहुत ही अजीब सी लगती थी एंड आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि 1000 रुपीज़ के आसपास का है और इतनी सी क्वान्टिटी मिलती है तो थोड़ा महंगा भी है. बट अभी मैंने इसको 3-4 बार यूज़ किया जब से गर्मियाँ आई हैं और इतना अच्छा काम करता है ये मेरी स्किन के लिए. एक तो मैट फिनिश देता है एग्जैक्टली, बिल्कुल इन योर फेस मैट फिनिश नहीं देता, फिनिश वाह, इन योर फेस मैट फिनिश नहीं देता है, थोड़ी सी डिमी मैट फिनिश देता है. साथ ही साथ में बहुत ही लाइट वेट है, लाइक यू वोंट फील कि आपने फाउंडेशन लगाया हुआ. और अगर आप एक लेयर इसकी लगाते हो तो आपको लाइक मीडियम कवरेज देगा. अगर आपको ज़्यादा हाई कवरेज पसंद है तो आप इसकी 2 लेयर लगा सकते हो, बट मुझे मीडियम कवरेज और लाइट कवरेज ही पसंद है, तो मुझे ये फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है. बट यह कहूँगी कि अफोर्डेबल नहीं है एंड मैं इसको बहुत कम यूज़ करूँगी क्योंकि काफ़ी महंगा आता है और उसमें बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी मिलती है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा. तो अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है ऑयली है और आप गर्मियों के लिए कोई अच्छा फाउंडेशन देख रहे हो जो कि लाइट वेट हो, मैट हो, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो. नेक्स्ट मेकअप आइटम है मेरे पास ये मेबलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर. ये है इन द शेड मॉल्टन गोल्ड. बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है और अंडर लाइक 550 रुपीज़ का है, तो लाइक मैं कहूँगी कि सही है जिस हिसाब से ये परफॉर्मेंस देता है. इसकी जो देखिए आप स्वॉच देखिए कितना सुंदर शेड है और कितना अच्छा इसका ग्लो है. 550 रुपीज़ में अच्छी खासी क्वांटिटी आपको मिल जाती है और इसका जो लाइक जो इसके ग्लिटर पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल भी चंकी नहीं है. अगर आपकी स्किन पे टेक्सचर आप इसको लगाते हो तो आपके टेक्सचर को बिल्कुल भी नहीं उभारेंगे, तो ये हाईलाइटर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है आजकल. एंड लास्ट मेकअप आइटम मेरे पास ये वेट एंड वाइल्ड की मेगा लास्ट कैट सूट लिक्विड लिपस्टिक. ये है इन द शेड गिव मी मोका और बहुत ही ब्यूटीफुल सा लाइक ब्राउनिश शेड है एंड आई थिंक ये सारी की सारी स्किन टाइप स्किन टोन्स पे जाएगा. ये शेड मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है. एक तो इस जो ये पर्टिकुलर लिक्विड लिपस्टिक है इसका फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा है, लाइक बिल्कुल भी हैवी नहीं है, लिप्स लगाने के बाद ड्राई एंड चैपी नहीं लगते हैं, बहुत ही लाइट वेट है, तो मुझे ये बहुत ही पसंद आता है. इसके ऑलरेडी 3 शेड्स मेरे पास है और ये 4th शेड है. आई थिंक कि 1-2 शेड और बचे और उन्हें भी मैं परचेज कर लूँगी. जब भी मैं नायका पे जाती हूँ तो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं, बट आई रियली लव दिस लिपस्टिक. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड ब्राउनिश न्यूड काइंड ऑफ शेड, डेफिनेटली ट्राई दिस वन. नेक्स्ट मेरी फेवरेट्स की लिस्ट में कुछ स्किन केयर आइटम है. सबसे पहले है ये मामा अर्थ का C3 फेस मास्क. इसका फुल रिव्यू एंड डेमो वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, मैं नीचे लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फेस मास्क आई हैव यूज्ड. यस,
मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है और ये ऐसा फेस मास्क है जो मुझे लगता है गर्मियों में सारी की सारी स्किन टाइप्स को बहुत अच्छे से सूट करेगा। इसमें कॉफ़ी है, क्ले हैंड चारकोल है और स्किन को ये बहुत अच्छे से क्लीन भी करता है और एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है। तो मुझे ये फेस मास्क बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये लाइक बहुत अफोर्डेबल है क्योंकि ये 600 रुपीज़ का है, बट जो इसकी परफॉर्मेंस है और जो क्वालिटी क्वान्टिटी सब कुछ है इस फेस मास्क में, तो अगर आप कोई एक फेस मास्क देख रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए स्पेशली गर्मियों के लिए, तो आप जरूर ये फेस मास्क एक बार ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरी लिस्ट में है ये सोल फ्लावर का टी ट्री ऑयल और आप बॉटल की हालत से ही देख सकते हो कि मैंने इसको कितना ज्यादा यूज किया हुआ है। ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। मेरा इस पर एक फुल वीडियो है जिसमें मैंने बताया हुआ कि मैं कैसे इसको अपने स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करती हूँ। मेरी स्किन एक्ने पिंपल प्रोन है और मेरी स्किन के लिए टी ट्री ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं शायद हमेशा अपने स्किन केयर रूटीन में टी ट्री ऑयल को इंक्लूड करूँगी, कभी भी स्किप नहीं करूँगी। आई लव दिस टी ट्री ऑयल। इसने मेरी स्किन पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव भी है और सुबह शाम दोनों टाइम मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और इसने लाइक मेरे पिंपल्स को कंट्रोल करने में और मेरे एक्ने के जो मार्क्स थे पुराने उनको फेड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। तो मुझे ये टी ट्री ऑयल बहुत 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 पसंद आया। नेक्स्ट मेरे फेवरेट्स की लिस्ट में ये इयर रिंग्स। एज यू कैन सी कि ये लाइक लूप शेप में इयर रिंग्स है, चेन लगी हुई है यहाँ पे ब्लैकिश लाइक कॉपरिश और गोल्डन कलर में एंड ये है फ्रॉम द ब्रांड टिप्सी फ्लाई। व्हाट आई लव अबाउट दीज इयर रिंग्स, इसका डिफरेंट शेप एंड इसकी क्वालिटी दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छी है। लाइक इसकी जो प्राइस थी वो 900 या 800 के आसपास थी, बट द क्वालिटी यू गेट इज वेरी गुड। मैंने इसको बहुत बार पहना हुआ है, मेरी बहुत सारी आउटफिट्स के साथ ये जाता है एंड आई लव दीज इयर रिंग्स। तो इस ब्रांड का लाइक जो भी इन्फॉर्मेशन है, लिंक है, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। ये अमेजॉन मिंट्रा पे भी अवेलेबल है, इनकी खुद की वेबसाइट भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है, तो मैं सारे लिंक्स दे दूंगी, आप चाहे तो आप देख सकते हैं। मुझे इनके डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लाइक कंटेम्प्रेरी एंड फॉर्मल वेयर, एथनिक वेयर, सबके लिए इनके पास बहुत ही अच्छी ज्वेलरी है, तो डेफिनेटली आप चेक करिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो चीज़ जो आप लोगों को भी बहुत पसंद आई है मेरी फेवरेट होने के साथ साथ, और वो है ये चिकन की कुर्ती। कुछ टाइम पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे इसे पहने हुए एक फोटो डाली थी और आप लोगों को वो फोटो बहुत ज़्यादा पसंद आई और बहुत सारे कमेंट्स और डीएम आए हैं मुझे कि दी ये कुर्ती आपने कहाँ से ली है। तो मैं लखनऊ से हूँ और चिकन की जो कढ़ाई या चिकनकारी है वो लखनऊ की पहचान है। इस कुर्ती में वो चिकनकारी ही दी गई है। ग्रे कलर की प्योर जॉर्जेट की कुर्ती है और इस तरीके से इसमें पूरी चिकनकारी का वर्क है। एज यू कैन सी बहुत 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 कंफर्टेबल है ये कुर्ती, लाइक आई कैन लिव इन दिस, इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैंने दो चिकन की कुर्ती ली थी, दूसरी वाली अभी मैंने पहनी नहीं है तो वो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। लेट मी नो कि आप अलग से चिकनकारी कुर्ती का हॉल देखना चाहते हो या नहीं, क्योंकि आई एम प्लानिंग टू बाई मोर चिकनकारी कुर्तीज़। तो अगर आप हॉल देखना चाहते हो तो मैं जल्दी से वो कुर्तीज़ बाई करके आपके लिए हॉल भी बना दूंगी। सो ये मैंने एक लोकल स्टोर से लिया हुआ है लखनऊ में। अगर आप लखनऊ में रहते हो, लखनऊ के आसपास रहते हो, आपको कोई रिलेटिव रहते हैं, आप आने वाले हो, तो डेफिनेटली आप इस टाइप की जॉर्जेट में या कॉटन में चिकन की कुर्ती ज़रूर परचेज करेगा, क्योंकि गर्मियों में ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है और बहुत ही स्टाइलिश लगती है। और अगर आपने वो पिक नहीं देखी है जिसमें मैंने इसको पहना हुआ और वो पिक मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड करी है, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे स्क्रीन पे होगी, वहाँ जाके आप वो पिक ज़रूर देखेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में कैसी दिखती है। बट इट इज़ वेरी 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 कंफर्टेबल एंड सॉफ्ट। सो या ये थी कुछ चीज़ें विच आई एम लविंग लेटली। आपकी पर्सनल फेवरेट्स क्या रही लास्ट मंथ में, नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड चेयर।